一般的。我拿开根。पुराना नहीं कार आ रहा है लोग क्या भैया जी अरे घनश्याम भैया अभी तक जिला प्रशासन नहीं आया प्रशासन को आना चाहिए अभी तक जिला प्रशासन नहीं आया जोर से है घनश्याम भैया ये आप उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पूर्व चेयरमैन हरशंकर सिंह जी हैं यह इतना बड़ा पेड़ गिरा आपकी क्या प्रतिक्रिया आप बताइए प्रतिक्रिया यह है कि जितने कचहरी के अंदर पुराने वृक्ष हैं डीएम साहब कमिश्नर साहब शासन प्रशासन के लोग कल से कार्रवाई करा में गिराने का अभी तक यहाँ प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया नहीं आया है तो लापरवाह है गंदे हैं खाली पर 10 से 4 बैठ के अपना तनख्वाह बनाते हैं महीने में लिए पापा बंद लेते हैं मुझे इससे क्या मतलब है तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद से मालिक की मेहरबानी कोई भी आदत नहीं हुआ धन की हानि नहीं हुई इनका कोई इसमें रोल नहीं है अब तक आना चाहिए इतना बड़ी घटना होगी कचहरी में क्या लोग कर रहे हो भाई जब यह कचहरी चल रही थी इसके नीचे सैकड़ों लोग बैठते आपका चल रही है उसके बाद तुमको पता ठिका नहीं है ठीक है ठीक है कुर्सी कहाँ ले जा रहे हैं आप कहाँ ले जा रहे हैं कल लोहे की रेलिंग ले जा रहे हैं नित्या भाई आइए अरे पाइप कहाँ ले जा रहे हैं ये क्रांतिकारी नेता नित्या राजी भी और ये जो छतपूर्ति कैसे होगी लोगों की जो टीन सेट अभी से गुजरा ये सब कैसे काम होगा इन लोगों का नुकसान की भरपाई कैसे होगी अध्यक्ष जी बताइए सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारी बनवाना है पूरे टीन सेट को और जल्द से जल्द कितने दिन में आप लोग चाहेंगे कि यहाँ पे फिर से इसका निर्माण हो जाए बताइए महामंत्री जी कब तक चाहेंगे कि इसका निर्माण फिर से हो जाए तत्काल निर्माण तत्काल संज्ञान लेना चाहिए शासन प्रशासन नहीं तो हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे हम माननीय मंत्री जी को मुख्यमंत्री जी को सबको ज्ञापन दे चुके हैं सबसे मिल चुके हैं सबसे निवेदन कर चुके हैं एकदम लोग ध्यान नहीं दिए बाबा विश्वनाथ की कृपा थी कोई हमारा योग्यता साथी कोई चोट नहीं आया कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है जिंदाबाद जिंदाबाद नित्या भाई भाई को चोट भी लगी है
हमारे बीच में नित्यानंद राय जी बनाए बारह एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री यहाँ पे आ गए हैं। आप बताइए क्या कहना है इस घटना के बाद? उसके बाद ही प्रशासन ने इसको कटवाया नहीं। नहीं, अभी तो प्रशासन कोई अधिकारी नहीं है, आपका क्या कहना? नहीं आएंगे, कोई नहीं है, कच्चा है, उनको कचहरी ले हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन आधे घंटे के समय हो गया लेकिन प्रशासन नहीं आया। क्या भैया जी, तो प्रशासन के लोग अभी नहीं आए? और कितना देर घटना हुआ? जागने तक कोई नहीं है? अरे नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ बैठेंगे धरने पर। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि इसको तत्काल इसकी समुचित व्यवस्था किया जाए, या कम पक्का हाल बने। हाँ, इसका हाल बने, वकीलों की समुचित व्यवस्था हो। यस, ये तो मांग बहुत दिनों से चल रही थी। चल रही है, लेकिन शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जिलाधिकारी साहब नहीं आए हैं। आप यहीं बैठते हैं, पेड़ कब गिरा और क्या प्रशासन अभी नया आपको क्या करना? अभी नहीं कही है कब गिरा, क्या उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? अरे हम लोग देख करके जो है खड़े हुए हैं, सबको हटाए हैं, तब तक ये क्या है गिरा, गिर गए। लगभग कब, कितना देर पहले गिरा होगा? अरे 10 मिनट पहले। यह नोटरी के वकील भारत सरकार के कपिलदेव नारायण सिंह जी हैं और यहीं पर बैठते हैं। आपकी यह चौकी है और यहीं पर यह पेड़ गिरा है और अभी तक यहाँ के प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं आया है, जिससे यहाँ अभी काफ़ी आक्रोश है वकीलों में। तो यह आपका यहाँ से अभी यह देखिए आ गया प्रशासन, प्रशासन के आपने मत बोला तो में आज ही पे लिखित दिया भी गया है। यह प्रशासन का कोई नहीं, प्रशासन का कोई नहीं आया। कौन आया बताइए? इसके बारे में कई बार बड़े बड़े वृक्षों कटाई के लिए बारे में लिखित दिया गया है और ये पढ़ा भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं भाई जी। यह तो ऊपर का मतलब कि भगवान का है, पटक दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे भाई? ऐसे नाजिर व्यवस्थापक भैया जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? विनोद पांडे भैया जी बताइए क्या आप कर रहे हैं? भैया ये कहना है हमारा कि कैसे कैसे वकील अपना टीम साजन में रह रहा है, टीम जर्जर हो चुका है। जिला प्रशासन को इतने बार लोगों ने, अधिवक्ता समाज ने, हमारे पदाधिकारियों ने जाके मिला कि यहाँ की समुचित व्यवस्था करें, वो तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक अधिवक्ता मर न जाए। यह तो भगवान का ही, भगवान का ही, बाबा विश्वनाथ का एक कृपा है की बड़ी कृपा थी की बच गए और इतनी बड़ी घटना जिला प्रशासन नहीं आया। कितना अधिकारी वापस जाओ, वापस जाओ, इसका 2007 का नाभी कहाँ हो चुका है? डीएम साहब रहे हैं, इसका नाभी हो गया इसकी बिल्डिंग के लिए एक भया, लेकिन अब अभी तक ये पेड़ों के नीचे जीवन जीने के लिए शिक्षित समुदाय जो है पड़ा ही हुआ। प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? प्रदेश सरकार से यह है कि बिल्डिंगों का सुंदरीकरण, अब ये बिल्डिंगों का सुंदरीकरण होना चाहिए, अधिवक्ताओं को बैठने के लिए 30 सेट हटा करके बिल्डिंग होना चाहिए, सुंदरीकरण के लिए व्यवस्था के विकास के नाम पर सब आ रहे हैं फंड, लेकिन विकास अभी तक नहीं हो रहा है। देखिए आक्रोश चल रहा है, अभी प्रशासन का क्या है? कोई भी अधिकारी नहीं है जिससे आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए कितना विशाल का पेड़ था, ये जड़ से उखड़ गया। अधिकारी कहा कभी एक
यही बगल में कलेक्ट्रेट है, अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आए, कितने शर्म की बात है। और आपको यह मैं लाइव आपको सीधे दिखा देंगे कितने कुर्सी में और तमाम वकील साहब लोग बैठते थे। देखिए भाई नटराज सिंह भी यहीं बैठते थे, भगवान ने आप लोगों की मदद की है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।